हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू स्पोर्ट्स यार्ड। मेरा नाम है राज, नाम तो सुना ही होगा। तो आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि साउथ अफ्रीका एक और मैच जीत चुकी है और उस मैच में उन्होंने यूज़ की थी पिंक ड्रेस। तो पिंक ड्रेस के पीछे राज क्या है, क्यों साउथ अफ्रीका बार बार पिंक ड्रेस में जीत जाती है, ऐसा क्या है, क्या राज है उस पिंक ड्रेस के पीछे, गुलाब गैंग में ऐसा क्या राज है कि वो बार बार जीत जाती है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा शुरू करेंगे। साउथ अफ्रीका पिंक ड्रेस पहनती क्यों है, पहले हम इस बात पे जाते हैं। पिंक ड्रेस वो तब पहनती है जब उन्हें ब्रेस्ट कैंसर के प्रति अवेयरनेस जगानी होती है। यानी ब्रेस्ट, जैसे हम इंडिया में काला कपड़ा पहनते हैं अगर हमें किसी चीज़ के पीछे विरोध दिखाना हो कि हमें ये चीज़ नहीं पसंद, प्लीज़ हटाओ, तो हम काला कपड़ा पहन के विरोध करते हैं ना, जैसे इंडियन टीम में ने भी किया था एक बार। सेम चीज़ साउथ अफ्रीका भी करती है जब उन्हें अवेयरनेस दिखानी होती है ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। यानी जब भी उन्हें दिखाना होता है, ये चीज़ हर साल करते हैं, इसका मतलब ये है कि वो दिखाना चाहते हैं कि हम ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स का सपोर्ट करते हैं। प्लस में जब वो पिंक ड्रेस पहनते हैं तो यहाँ पे वो मनी भी डोनेट करते हैं ब्रेस्ट कैंसर वालों को। यानी वो कोशिश करते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर के जो पेशेंट्स हैं या फिर जो नए आ रहे हैं उनको पर्याप्त जो सुविधाएं हैं ना वो मिल जाए कम रेट में या फिर बिना किसी प्राइस के, क्योंकि हर कोई अफोर्ड तो कर नहीं सकता, बहुत ही महंगा इलाज होता है ब्रेस्ट कैंसर का। तो इसीलिए पहनती है साउथ अफ्रीका की टीम पिंक ड्रेस, ताकि वो कुछ पैसे जुटा सके, प्लस में अवेयरनेस दिखा सके कि हाँ भाई हम ब्रेस्ट कैंसर के साथ हैं और आप लोग भी सपोर्ट करो। अब बात आती है तो फिर ऐसा क्या आज़ाद हो जाता है जब वो पहन लेते हैं इस पिंक ड्रेस को, तो वो क्यों जीतते हैं। ठीक है, तो इसका कारण ये है कि देखो, जब हमारे पीछे हमारे पास कोई कारण होता है ना कुछ करने का, तो हमारा जो बेस्ट है ना 100% हम उससे भी आगे दे देते हैं उस चीज़ में। हम अपने ज़िंदगी का जो भी है, मतलब अपने अंदर जो भी है, पूरी जान लगा देते हैं उस चीज़ के पीछे अगर हमारे पास कोई कारण हो। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो तुम कहीं जा रहे हो और चार बंदे तुम्हें घेर लेते हैं और तब तुम उनसे लड़ लोगे, नहीं लड़ पाओगे, डर जाओगे, भाग जाओगे, जो भी कुछ है। और वहीं मान लो चार बंदे सेम कंडीशन है, बट इस वक्त तुम्हारी मम्मी तुम्हारे साथ है, ठीक है, और वो चार बंदे तुमसे मारना चाहते हैं, तुम्हारी मम्मी को कोशिश कर रहे हैं डराने की, तो वहाँ तुम उनसे लड़ लोगे क्योंकि तुम्हारे पास एक कारण है। सेम यहाँ पे भी है, उनके पास एक कारण है। तो हम इसे एक मोटिवेशन के तौर पे भी ले सकते हैं कि अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो उसके पीछे एक कारण खोजो कि क्या कारण है जिसके कारण हम उसे करना चाहते हैं, तो आपको और ताकत मिल जाएगी उस काम को करने की। शायद यही कारण है कि भगवान ने भी उनका साथ दिया, बारिश भी आ गई। भगवान हमेशा साथ देता है ऐसे बंदे का जो किस चीज़ कोई अच्छा काम करता है। हर अच्छे काम में भगवान आपका साथ देगा, ज़रूर देगा, ठीक है। शायद यही कारण है कि साउथ अफ्रीका जीत चुकी है और शायद आगे भी जीतती रहेगी। हालांकि इंडियन हूँ मैं, हमेशा यही चाहूँगा कि इंडिया जीते, बट साउथ अफ्रीका जीती तो ज़्यादा कुछ दुख नहीं हुआ, जिसका कारण ये है कि ये जो हो रहा है एक अच्छे कारण से हो रहा है। हार जीत होती रहती है, बट जब इसके हम किस चीज़ का यूज़ कोई अच्छा काम करने के लिए यूज़ करते हैं ना, कोई चीज़ अपनी मतलब अपनी पॉपुलैरिटी का यूज़ अगर हम कोई अच्छा काम करने के लिए यूज़ करेंगे तो वो अच्छा लगता है दिल को। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर कर देना उन लोगों के साथ जिनको नहीं पता है कि क्या यूज़ है पिंक ड्रेस का, और थोड़ा मोटा मोटिवेशन जिसको चाहिए वो उसके साथ भी कर देना और सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। तो बाय बाय, शब्बा खैर, जय हिंद, हैव ए गुड डे।